Hello, hello students. Let's see this question. Here we have the 6th and 17th term of APR 19 and 41. 6th term hame given hai 19 and 17th term hame given hai 41. Hame 40th term find karni hai. Ye 40 find karna hai. Iske liye hamare paas A hona chahiye, D hona chahiye. So hum A aur D kahan se find karenge? Ye A6 aur A17. A6 क्या होगा बेटा, a प्लस सिक्स माइनस वन इंटू डी, nth टर्म के फॉर्मूले से मिल जाएगा a प्लस फाइव डी 19. सिमिलरली यहाँ पर a प्लस 17 माइनस वन इंटू डी 41, मतलब a प्लस 16 इक्वल्स टू 41. ये है हमारे पास इक्वेशन वन. इक्वेशन टू, हम इक्वेशन टू वन को सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन वन से सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम, तो हमारा ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा. 41 यहाँ पर आएगा, ए प्लस फाइव डी इक्वल्स टू 19. सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ पर आया 11 डी. यहाँ पर देखते हैं टू टी माइनस वन, ये आ जाएगा 22/11, मतलब टू. टी टू आ गया तो हम a फाइंड कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में फ्रॉम इक्वेशन. क्या मिल जाएगा, a प्लस 5d इक्वल्स टू 19, 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 19, a प्लस 10 इक्वल्स टू 19, ये आ गया हमारे पास 9. अब हमें क्या फाइंड करना है, a 40 क्या हो जाएगा, a प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म के फॉर्मूले से ये है 9, 39 मल्टीप्लाइड बाय, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 टू जार 18, 3 टू जार 6 प्लस 1 7. 78 में हम 9 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 87. a 40, यही हमें फाइंड करना था. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. थैंक यू.